कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए पीडीपी ने कांग्रेस और एनसी से हाथ मिलाने का किया इशारा। जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए पीडीपी ने कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस से हाथ मिलाने का इशारा किया है। खबर है कि कांग्रेस ने पीडीपी को हुकूमत बनाने के लिए लिखित में साथ देने का दिया भरोसा। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बनिया हूं और धंधा समझता हूं। खुद को बनिया बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने असेंबली चुनाव के कबल कारोबारियों से वादा किया कि दिल्ली में टैक्स निजाम को उनकी सहूलत के मुताबिक बनाया जाएगा। केजरीवाल दिल्ली में एक जलसा के दौरान कारोबारियों को खिताब कर रहे थे। दिल्ली के अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत, गैर मंजूरशुदा कॉलोनियों को मिलेगी मंजूरी। दिल्ली में 1 जून 2014 तक बनी 895 गैर मंजूरशुदा कॉलोनियों को मंजूरी मिल जाएगी। इस फैसले से दिल्ली के 60 लाख लोगों को फायदा होगा। अब तक 31 मार्च 2002 तक की ही बनी कॉलोनियों को मंजूरी मिली थी। अब मरकजी सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री का दावा 100 करोड़ घूस देने का मिला ऑफर। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि उनके मंत्री बनते ही जल संपदा विभाग के ठेकेदारों ने उन्हें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर दिया था। यह ऑफर दलालों के मार्फत उन ठेकों को जारी रखने के लिए दिया गया जो पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार ने दिए थे। अब हर सूबे में खुलेगा स्मार्ट थाना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सुझाव पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सूबों को एक एक स्मार्ट थाने के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है। अब सार्फिन 31 मार्च तक जुड़वा सकते हैं गैस एजेंसी और बैंक अकाउंट से अपना आधार नंबर। डीबीटीएल मंसूबा का फायदा उठाने के लिए सार्फिन की परेशानियों को देखते हुए एलपीजी कंपनियों ने थोड़ी राहत दी है। 1 जनवरी से डीबीटीएल मंसूबा शुरू हो रहा था जिसके लिए 31 दिसंबर तक का वक्त तय किया गया था, लेकिन अब अगर 31 दिसंबर तक आधार या बैंक से एलपीजी अकाउंट का लिंक नहीं हो पाता है तो ऐसे में सार्फिन 31 मार्च तक इस काम को करा सकते हैं। मंगल ग्रह पर अब मिला एलियन का ताबू। लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह को लेकर नया खुलासा हुआ है जो चौंकाने वाला है। इस ग्रह पर सालों पहले एलियन देखे जाने की बात सामने आई थी और अब इस ग्रह पर एलियन का ताबूत देखे जाने की बात सामने आई है। बेंगलुरु में किए जाएंगे और धमाके। बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट में हुए ब्लास्ट के बाद लेटेस्ट अब्दुल नाम के ट्विटर हैंडल से और बम धमाके करने की धमकी दी गई है। ट्वीट में धमकी दी गई है कि अगर मेहदी विश्वास को नहीं छोड़ा गया तो अगले 2 दिनों में और बम ब्लास्ट किए जाएंगे। हिंदुस्तान के एतराज के बाद लखवी फिर लिया गया हिरासत में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26/11 दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की हिरासत मुलतवी कर दी थी, लेकिन हिंदुस्तान के एतराज के बाद पाकिस्तान सरकार ने फिर उसे हिरासत में ले लिया है। लखवी को 6 साल पुराने किडनैपिंग के मामले में हिरासत में लेने का फैसला किया गया है। एयर एशिया के लापता विमान का दरवाजा दिखा। इंडोनेशिया से 162 मुसाफिरों को लेकर लापता हुए एयर एशिया विमान का दरवाजा मिला है। लाहौर की बाजार में लगी आग, 13 की मौत। पाकिस्तान के लाहौर में भीषण आग की चपेट में आ जाने से 13 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यह आग शहर के व्यस्त बाजार में बसे बहुमंजिला इमारत में लगी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से हाथ मिलाने को तैयार बॉक्सिंग इंडिया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और बॉक्सिंग इंडिया के बीच चल रही राह जल्द थम सकती है। फरहा खान करेंगी बिग बॉस हल्ला बोल को होस्ट। बिग बॉस की विशेष कड़ी बिग बॉस हल्ला बोल के प्रस्तोता फिल्म निर्माता फरहा खान होंगी। वह इस रियलिटी शो के जरिए दर्शकों से जुड़ने को लेकर बेहद उत्साहित है। श्रीलंका में सलमान और जैकलिन महिला राजपक्षे के हिमायत में करेंगे तशहीर। श्रीलंका में इंतखाब के दौरान सलमान खान जैकलिन फर्नांडिस के साथ महिला राजपक्षे का करेंगे प्रचार। हंगामे के बावजूद आमिर खान की पीके कमाई में धमाल मचा रही है। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान की फिल्म पीके की पूरे मुल्क में मुखालफत हो रही है, लेकिन इसके साथ ही पीके की कमाई में भी इजाफा हो रहा है। फिल्म ने ओवरसीज मिलाकर तकरीबन 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। आमिर खान की फिल्म पीके 19 दिसंबर को रिलीज हुई थी।
रामकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म पीके ने अपने पहले हफ्ता में भारतीय बाजार में कुल 182 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी।